फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मैं करेला का भरवा बना रही हूँ और ये सबका फेवरेट है क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो करेला को हम धो लेंगे और उसके बाद कट कर लेंगे। तो बड़े और मीडियम साइज़ के जो करेला होते हैं उसको दो दो टुकड़ों में काट लेंगे और एक करेला मेरा छोटा है तो मैं आपको बता देती हूँ, तो इसको आप छोटे वाले करेला को बीच से कट कर लेंगे। और जब भी करेला का भरवा बनाने के लिए करेला लेंगे फ्रेंड्स, तो कोशिश करेंगे कि मीडियम साइज़ वाला करेला का भरवा लें, उससे भरवा बहुत टेस्टी बनता है। तो बाकी करेला को मैं इस तरह से दो दो टुकड़ों में हम काट लेंगे। और इसके बाद एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और उसमें 2 कप पानी करेला को डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल के उसको हम गैस पे रख देंगे। 2 सीटी लगाएंगे और गैस बंद कर देंगे। ओवर कुक नहीं करना है हमें करेला को, क्योंकि हम करेला को फिर बाद में डीप फ्राई भी करेंगे क्योंकि हम करेला का भरवा बना रहे हैं। अब कुकर को मैंने गैस पे रख दिए हैं, तो अब मैंने 4 प्याज ले लिए हैं। तो मेरे प्याज बहुत बड़े साइज वाले हैं, तो आप मीडियम साइज़ की प्याज लेते हैं तो 5 प्याज लेंगे ½ kg करेला के लिए। और इसको रफली काट लेंगे क्योंकि इसे हमें पेस्ट बनाना है। अब मिक्सी में रख के इसका हम पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स। और करेला भी हो गया है हमारा, तो अब करेला को हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद अपना प्रेशर कुकर खोल के करेला को ठंडा कर लेंगे निकाल के। तो करेला का पानी जो हो, करेला में जो पानी है नीचे उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम अपने पौधों में डाल देंगे। ये एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक बन जाता है। तो ये करेले का पानी है, तो आप अगर पौधों में पानी मिला के स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक कीटनाशक बन जाता है। और जो करेला है उसका हम बीज निकाल लेंगे। तो करेला उबला हुआ है, सॉफ्ट हो रखा है, तो आप उसको आराम से नाइफ से सारे बीज को निकाल लें और जो पल्प होते हैं उसको भी निकाल लें। अब जिस जार में हमने प्याज को पीसे थे उसी जार में प्याज को हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिए हैं। और अब एक कढ़ाही ले लेंगे और उसमें सरसों का तेल रख के गैस पे रख देंगे। जीरा और थोड़ा सा हींग रख के हम उसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। तो प्याज को हम बहुत ही आराम से मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे, ब्राउन होने तक इसको रोस्ट करना है। और गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। और उसी जार में अब हम 2 कच्चे आम ले लेंगे फ्रेंड्स। तो मेरे आम जो है वो छोटे साइज़ के हैं तो 2 ले लिए हैं, अगर आपके बड़े साइज़ के हैं तो आप 1 ले लें। तो ये 50-50 ग्राम के 2 आम होंगे। तो इसको मैंने छील लिए हैं और गुठली साइड कर दिए हैं। जो आम के पल्प हैं इसको हम मिक्सी में डाल देंगे जार में, और साथ में जो हमने करेले का बीज और पल्प निकाले थे उसको भी हम उसी में डाल देंगे। ये करेला का बीज ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो इसको फेंकना नहीं है, उसको डालना है। अब एक कटोरी में मैंने धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 7-8 कलियाँ लहसुन और 3 चम्मच मैंने पीली सरसों ले ली थी टेबल स्पून, और सबको हम पीस लेंगे। उसमें मैंने 5-6 लाल मिर्च भी डाल दी थी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, तो इसमें मैं पाउडर नहीं डाल रही हूँ, साबुत जो रेड चिली होते हैं उसी को डाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा स्पाइसी बढ़ जाता है स्पाइस। तो इसको हम फ्रेश फ्रेश क्रश करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी होता है, इसलिए मैंने फ्रेश ही तो साबुत ही डाल दिए हैं। और आप पेस्ट देख सकते हैं कितना कलरफुल पेस्ट बनाया है, बिना किसी फूड कलर के ये पेस्ट बहुत ही कलरफुल बन के रेडी होता है। और अब इधर हमने अपने प्याज को रख रखे हैं गैस पे मीडियम फ्लेम पे, तो इसको भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। और प्याज हमारा रेडी हो गया, आप देख सकते हैं प्याज का पानी सूख चुका है। अब इसमें हमने जो मसाला तैयार किए हैं वो मसाला ऐड कर देंगे। तो सारा मसाला डाल दिया हमने, अब थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, मसाला वैसे ही बहुत ही कलरफुल होता है, तो हल्दी कम ही डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और नमक डाल देंगे साथ में। और अब हम मसाले को रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें 2-3 चम्मच पानी जिसमें हमने जार में मसाला पीसा है उसमें डाल के इसमें हम डाल देंगे। और इसको लगभग हम 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे, पकाएंगे मसाला को अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें आप कोई जल्दबाजी मत करिएगा, इसको अच्छे से पकाना है मसाला को। और जब ये अच्छे से पक जाए मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद कम से कम आप 10 मिनट ज़रूर रोस्ट कीजिएगा इसको। उसके बाद आप गैस को हाई करके इसको आप भून लीजिएगा, ड्राई कर लीजिएगा। और फिर जब इसमें से शाइनिंग सा दिखने लगे, मसाला एकदम चमक सी आ जाएगी आपके मसाले में, शाइनिंग सा दिखने लगेगा, तो आपका मसाला रेडी हो जाएगा और ऑयल भी दिखने लगेगा,
तो उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए, बिल्कुल ड्राई कर लीजिए हाई फ्लेम पे, और फिर अपने बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब मैं आप करेला को जो है करेले में भर के भरवा रेडी कर लेंगे हम। अब देख सकते हैं मसाला मेरा कितना ड्राई है, और फिंगर से डाल देंगे और फिर उसको पुश कर देंगे। नीचे करेला का पतला होता है तो वहाँ तक अच्छे से हम फील करेंगे, एकदम दबा दबा के कस के आप भरना है उसको, और उसके बाद इस तरह से सारे करेला को भर लेंगे हम। अब एक पैन ले लेंगे, पैन गरम करके सरसों तेल डालेंगे, सरसों तेल में ही फ्राई करिएगा, दूसरा तेल इस्तेमाल नहीं करना है, सरसों तेल में ही करेले का भरवा बनेगा। अब मैंने सारे करेला में भरवा अपना जो मसाला है वो भर दिए हैं, और इसको हम ढक के रख देंगे। जितना हमें फ्राई करना है हम फ्राई कर लेंगे, बाकी को ढक के फ्रिज में रख देंगे। इसको आप 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी खाना हो इसमें से 2 पीस आप फ्राई कर लें। तो मैं अभी 4 पीस फ्राई कर रही हूँ ताकि हम दो लोग दोनों दो दो करेला खा लें। तो मैं 4 भरवा फ्राई कर रही हूँ, बाकी का मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस तरह से आप पैन में सरसों तेल डाल दें और उसके बाद फ्राई कर दें, ऊपर से थोड़ी सी सॉल्ट और भी डाल दें, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दें, ताकि जो हमारा जो करेले का जो रैप है उसमें स्किन है उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट आ जाए। वैसे उबलने में हमने डाले थे पर वो पानी में निकल जाता है फ्रेंड्स, इसलिए करेला में इस टाइम में थोड़ा सा नमक ब्लैक सॉल्ट डाल दें, और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे ब्राउन होने तक। जलाना नहीं है, ब्राउन होने तक सेक लेना है, और इसको इस तरह से पलटते रहना है, चारों तरफ से इसको सेकना है, किसी भी एक तरफ से कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इसको पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे, और फ्रेंड्स ये करेला का भरवा आपका बहुत टेस्टी बनेगा। और मैंने चावल भी बना ली थी पहले ही, तो गर्मा गर्म चावल मेरा रेडी है। अब इस चावल को मैंने प्लेट के बीच में रख दिए हैं, और इसके ऊपर जो हमने करेला फ्राई किए हैं वो सारा ऑयल के साथ ही हम डाल देंगे। तो इस तरह से सारा करेला और जितने भी इसमें ऑयल है वो सारे हम उस चावल पे डाल देंगे, और फिर इस ऑयल और इस करेला का भरवा और मसाला के साथ आप खाइएगा। तो इस फ्रेंड्स ये भरवा इतना टेस्टी लगेगा कि आप नेक्स्ट, मैं बोल सकती हूँ आपको कि आप दोबारा कोई रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे अगर आप मसाले को अच्छे से रोस्ट करेंगे और अच्छी तरह से आम वगैरह डालेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका भरवा बहुत टेस्टी बनेगा। क्योंकि मैं सालों से बनाती आ रही हूँ फ्रेंड्स, और ये भरवा बहुत ही टेस्टी बनता है, और जब भी मैं ये भरवा बनाती हूँ मेरे घर में सब बहुत ही खुश होते हैं कि आज भरवा बनने वाला है करेला का। और ये आम के टाइम में तो बहुत ही टेस्टी बनता है, कच्चे अमियां से जब हम बनाते हैं फ्रेंड्स इसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अमचूर से भी बन जाता है बट इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है जो कच्चे अमियां वाला होता है। और ये वाला मैजिक वाला भी आपको दिखा ही दी हूँ, ये मैजिक ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है फ्रेंड्स। जब ये पानी और तेल और ऑयल का वो मिक्सचर सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आग जो है वो क्रैम पकड़ लेता है, वो अपने आप बंद भी हो जाता है फ्रेंड्स, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जैसे करेला में पानी भी है ऑयल है, तो इस तरह से वो आग दिखने लगता है, बस दिखता है वो आँखों का वो होता है, जलता नहीं है फ्रेंड्स। और इस तरह से आप करेला रोस्ट कर लेंगे तो करेला में स्मोकी फ्लेवर आता है, और उसके बाद फिर इसको मैंने अनियन के साथ सर्व कर दिए, और इस ऑयल के साथ ही इस राइस को खाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका भरवा कैसा बना।